हरिबोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। देखो भागवत में एक श्लोक आया है, कहते निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम उमान भवाप्ति न तरत स आत्मा। इसमें कह रहे हैं कि ये जो मानव शरीर है, हैं, ये मानव शरीर बड़ा भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। निर्दय माध्यम क्यों बात कर रहे हो, दो मिनट बड़ी छटपट छटपट ऐसे। निर्दय माध्यम बोले सुलभम सुदुर्लभम, कहते ये जो शरीर है बहुत बहुत ही भाग्य से ये जीवन में प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें तो पता नहीं, हमें तो लगता है ऐसे ही हम टपक पड़े कहीं से है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं ये शरीर सहज में तुम्हें मिला नहीं है, सुलभम सुदुर्लभम है, इसलिए बड़े आसानी से बड़े भाग्य से ये तुमको मानव शरीर मिला है। प्लबम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, उदाहरण देते हैं जैसे अगर हमें एक नदी पार करना है, समुद्र पार करना, उसके लिए एक नाव चाहिए, नाव के बगैर तो पार नहीं हो सकते हैं। कहते भैया ये नाव क्या है, कहते ये मानव शरीर है, यही नाव है, क्योंकि इसी शरीर से ही हम ये भवसागर से हम पार हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसे नाव हो गया, लेकिन नाव होने पर भी क्या है इसलिए नाव तो है, लेकिन अगर उसको चलाने वाले कोई नहीं हो है, अगर चलाने वाले नहीं हो तो फिर इसको चलाओ के सकते, नहीं तो बीच दरिया में डूब जाएगी। बोले उसमें चलाने वाले कौन है, बोले सद्गुरु। यही हमें जो मार्ग दिखा करके हमें भगवान तक ले जाने वाले ये सद्गुरु है, जो कैप्टन है, जो चलाने वाले हैं। लेकिन उसमें कहते हैं चलाने वाले तो गुरु है, लेकिन अनुकूल लेना उसमें कहते हैं। आप लोग तो कभी समुद्र में देखे हो, समुद्र में ही है, इसलिए कभी जगन्नाथपुरी ले जाएंगे आप, चलोगे रथ यात्रा में ले जाएंगे, इसलिए उसमें हैं कहते उसमें बताए जो नाव चलता है ना, उसमें एक त्रिपाल लगा देते हैं, त्रिपाल लगा देते हैं, वो जिधर से हवा चलती है ना उस तरफ कर देते, करने पर फिर तुमको चलाने का जरूरत नहीं, वो हवा से ही त्रिपाल में जो हवा लगेगी ना वो एकदम बड़े तेजी से भागेगी हैं, बड़ा तेजी से फिर वो नाव भागता है। केवल हैंडल को पकड़ रखो, चलाने का जरूरत है, नाव अपने आप चलते रहेगा। कहते तो वो क्या है, कहते तो वो है भगवान का कृपा है। भगवान जब तक तो कृपा नहीं करेगा तब तक तो हम भक्ति जगत में चल ही नहीं सकते हैं, उनकी कृपा से। इसलिए बोले बड़े भाग उसमें कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नासो। इसलिए जीवन में जो सत्संग भगवान की कथा सुनने को मिलता है किसकी कृपा से, बोले राम कृपा बिनु सुलभ नासोई। इसलिए हमें ये भक्ति मार्ग में जो हम चलेंगे हमारे ऊपर कृपा कौन करेंगे, किसकी कृपा से हम चल सकते हैं। गुरुदेव का रास्ता हमें राह दिखाएंगे, लेकिन उनकी कृपा चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, वो कृपा करेंगे तो तभी हम जीवन में संत संग मिलेंगे, उनको कृपा होगा तो हम भगवान की भजन कर सकते हैं, उनको कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे एक चीज़ समझो, अभी तक तो हमें भगवान मिलेगी, अभी हम भगवान नहीं मिले, लेकिन देखो एक आश्चर्य बात है, लेकिन भगवान कोई एक चीज़ है लेकिन ये हृदय में हमारी अनुभूति है। अभी तो भगवान हमें दर्शन नहीं दिए, लेकिन हमारे अंदर में भाव नहीं, उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता। हम कहते ना उसको कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, हैं, बोले तुम्हारी कृपा से सारे काम हो रहा है और करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम कहते ना ठाकुर जी तेरे आशीर्वाद से ही सब कुछ चल रहा है, तेरे कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी तक तो हम ठाकुर का दर्शन किए ही नहीं, लेकिन हृदय में हमारी ये भावना है भगवान नाम का कोई चीज है। इसलिए मयानुकूले नभस्व तरितम उमान भवाप्ति न तरेत स आत्मघा। यहाँ पर कह रहे हैं
ये भवसागर को भगवान इतने दयालु तुम्हें मानव शरीर दे दिया, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं तेत ईस बिनु हेतु सनेही। ठाकुर तो बड़े कृपा करके तुम्हें ये जीवन दे दिया ठाकुर जी हैं, इतने कृपा की, पर कृपा करके क्या किया, हमें संतों से भी मिला दिया ठाकुर जी, और कृपा करके ठाकुर जी हमारे ऊपर आशीर्वाद भी कर रहे हैं। एक ठाकुर जी इतने हमारे ऊपर में कृपा ठाकुर ने कर दिया, लेकिन इतने कुछ पा करके भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की भजन नहीं करता है, खा पी करके सो सा करके टीवी देख करके स्मार्टफोन देख करके अपना जीवन को ऐसे अगर कोई गंवा देगा तो तब कहते वो कौन, बोले आत्महा, मतलब आत्मघाती। आत्मघाती मतलब अपना हाथों से अपना गला को काटने वाले, अपना हाथों से अपना गले को जो काटने वाले हैं। क्यों, तुमको इतना सुजोग मिल गया तभी तुम भगवान की भजन के लिए तुम तत्पर नहीं, तभी समय मिले तो गप्पे मार करके इधर उधर बात से तुम इस जीवन को ऐसे तुम गमा रहे हो हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले तरह बह तुम न जीवंती। अगर कोई सोचे अरे हम तो जिंदा है हैं, हम तो जिंदा है, कहते हैं पेड़ के जिंदा नहीं, बरगद पेड़ देखो, पीपल पेड़ देखो, हम कितना दिन जिंदा रहेंगे, 70-80-90 साल तक रहेंगे। देखो अब देखो बरगद पेड़ को हजार हजार साल जिंदा है, क्या जिंदा नहीं रहता है। तरबह का निज जीवंती बस राम की न ससंकुत। बसरा होता है अब जो कमारा होता है ना, जो लोहे को गर्म करके हैं उसको पीट पीट कर अस्त्र बनाता है, उसको पास में एक भसरा का, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धोगनी बोलते हैं, धोगनी धोगनी बोलते हैं, धोगनी। आप देखना उसको दबाता है, उसको खींचता है, दबाता है और हवा, वो हवा चलता है हैं, हवा चलता है, हवा लेता है और हवा छोड़ता है, हवा लेता है। आप कहते अगर श्वास प्रश्वास लेना ही सब कुछ है, क्या वो धोगनी किया हवा प्रश्वास नहीं ले रहा है, वो भी तो श्वास ले रहे हैं वो भी श्वास छोड़ रहा है हैं। न खादंती, बोलेगा हम बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल मूल रसमलाई हैं, पिज्जा पास्ता बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, कहते वो लोग भी खाना नहीं खाते हैं। अब तुम तो खाने खाने के लिए देखो कितना परिश्रम करते हो, कि 10-20-25 साल तो पढ़ाई करोगे हैं, उसको बाद जाकर कहीं नौकरी जाकर करोगे, जाकर कहीं नौकरी करोगे 10 घंटा जाकर काम करोगे, फिर उसको बाद में पैसा लाओगे, पहले इतना नहीं, फिर मार्केटिंग करके लाओ, फिर रसोई बनाओ, उसको बाद में भोजन करते हैं, करते कि नहीं उसको बाद में। तुमको तो भोजन करने के लिए पता नहीं कितना करना, क्या क्या करना पड़ रहा है। जानवर को देखो इधर उधर घूमते खाना खा रहे, कौन सा नौकरी कर रहे, कौन सा स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो तो वैसे खा रहे हैं, उनका जीवन वैसे चल रहा है, हमसे आसानी से जीवन चल रहा है और बिना टेंशन से सो रहा है। लेकिन कभी कभी हमारा टेंशन हो तो एयर कंडीशन रूम में गोली खाने पर भी हमको नींद नहीं आती होगी हैं। देखो जानवर को देखो, कुत्ते को देखो, अरे कहाँ था, एकदम आराम से सो जाते हैं। इसलिए कहते ना मेहनती, कहते अगर बच्चा जन्म देना यही सब कुछ हो, बोले बताओ कौन सा जानवर बच्चा नहीं देता, सुअर गद्दे कुत्ते, कुत्ते को देखो 4-5 बच्चा, मुर्गा देखो 21 अंडा एक साथ में बच्चा देता है, सुअर को देखो कितना बच्चा जन्म दे रहा है, बकरी को देखो, मेढक को देखो हजार हजार बच्चा एक साथ में, मछली हजार हजार बच्चा एक साथ में एक मछली जन्म देता है हैं। इसलिए कहते यही अगर करना जीवन का सब कुछ है, भैया ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। इसलिए भागवत कहता है स्वपीड बढ़ा उपष्ट खरी संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ पेत जातु नाम गदाग्र। जिन्होंने इनका कान में भगवान की कथा नहीं जाती है, जो भगवान का भजन नहीं कहते हैं उनको गाली दे रहे हैं भागवत, कह तो तू चार चार जानवर हो, तू चार चार जानवर हो। स्वपीड, स्वपीड मतलब कुत्ता खाने वाले, जो सुअर, तू एक सुअर हो हैं, और हाट खाने वाले एक कुत्ते हो, कांटा खाने वाले तुम एक ऊंट हो हैं, और स्वपीड बरहा वस्त्र बोले तुम एक ऊंट हो जो कांटा खाने, खरे मतलब तो गधा हैं, तू एक गधे हो, भगवत कहता है तू एक गधे हो हैं। जीवन पा करके तुम भगवान की भजन नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम जानवर जैसे तुम्हारे जीवन खा पी करके जैसे बिता रहे हैं, तुम भी ऐसे अपना जीवन को बिता रहे हो। इसलिए भागवत कहता है, क्या कहता है,
वो कहता है भगवान की भजन करो, हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। इसलिए कहते हैं अगर इन्हीं हाथों से तुम भगवान की सेवा नहीं करते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो, और यहाँ से यहाँ तो सोने की कंगन बनी, लेकिन सेवा नहीं करते, क्या है? बोले सब करो बा कुरु तपरिया हरे लसत कांचन कंकण होगा। कहते ये हाथ सब ये मरा हुआ हाथ, ये मरा हुआ हाथ क्यों? इन्हीं हाथों से तुम भगवान की सेवा नहीं करते हो, दुनिया का तो सारे काम करते हो लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते हो। बोले जीवा वह दार दिली का ए वो सुत न चौको गायन थे उरु गाय गाता। अगर ये जीवा से प्रभु का नाम ले रहे हो, दिन भर बकवास कर रहे हो, इधर उधर सारे बात करते हो, लेकिन भगवान के नाम बोलो ना, बोले समय नहीं। कहते जीवा क्या, अब देखना मेढक बरसात का समय में वो ट्रैक्टर 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 करता है, लेकिन जो पुरुष है ना वो ट्रैक्टर कर नहीं करते, वो अपना बीवी को बुलाता, बीवी आ जा बीवी, लेकिन बीवी क्या आ जाएगी? कहते सांप का खाल सर्प है, वो सांप जब सुनता है ना कहते भैया अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, आहार मेरे को बुला रहा है, वो सांप सुन करके धीरे 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 आएगा। हैं सांप आकर धीरे बात झट पकड़ ला मेरे को, है जब पकड़ लगा टे 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 करना शुरू कर देगा, बस बीबी आकर खा दी। इसलिए कहते अगर ये जीवा से तुम भगवान के नाम नहीं जप करोगे, ये जीवा क्या बड़े बढ़क के जीवा है, अगर तुमने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुना, सारा दुनिया की कथा सुना लेकिन ठाकुर को कथा नहीं सुनते हो, कहते ये दो कान क्या, बोले ये क्या है, बोले बील, दो बील मात्र, जो बील में जहरीले सर्प रहते हैं, मतलब दुनियादारी की उल्टा पुल्टा कथा सुन रहे हो। हैं बोले इन्हीं आँखों से अगर भगवान के दर्शन नहीं करोगे, दिन भर टीवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, स्मार्टफोन देख रहे हो, लेकिन भगवान को दर्शन नहीं करते हैं, कहते बरा हिते ते नयने, ये आँख नहीं, कहते मौर पंख में जो पाँख है ना, मौर पंख देखी हो, उसमें भी बड़ी सुंदर आँख बनी हुई है। बोलो आँखों से क्या होता है, कोई काम नहीं होता है, अगर इन्हीं आँखों से तो भगवान को दर्शन नहीं किया, वो आँख नहीं वो पाँख हैं। हैं कहते ये पैर से अगर भगवान की मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा नहीं करते हो, बोले ध्रुव जन्म भाजो, जैसे एक पेड़ एक जगह पर खड़ा हुआ है, एक जगह पर अगली जीवन में गोबर पेड़ बना, बोले पेड़ बन गया, तुमको पैर दिया गोवर्धन जा सकता था, वृंदावन गया ही नहीं, हैं मंदिर परिक्रमा लगाया नहीं, तुलसी परिक्रमा, सारा दुनिया में घूमते रहा, सारा दुनिया में यार दोस्तों घर में घूमते रहा, लेकिन तुमने ये पैर किसने दिया, सत्संग में जाने के लिए, हैं सत वहाँ तो गया नहीं, सारा दुनिया यार दोस्त में घूमते रहा। देखो ये भागवत बोल ध्रुव जन्म भाजो, हैं ये वृक्ष जैसे एक जगह पर खड़ा रहता है, अगली जीवन में ठाकुर जी पेड़ जन्म देंगे, बोले एक जगह पर खड़े रहो, कहीं जाने का जरूरत नहीं, सत्संग में तो गया नहीं, भागवत कथा में तो गया नहीं, यार दोस्तों घर में घूमते रहे, हैं इधर उधर घूमते रहे। इसलिए कहते हैं भार परम पट किरीट दुष्टम अपि उत्तमांग न नमेत मुकुंद। कहते अगर ये सर को तुम भगवान की चरण में नहीं झुकाए, संतों की चरण में नहीं झुकाए, कहते सर का एक भोजन होता है ना, कहते तुमको संसार में डुबा देगा, संसार में तुमको ये डुबा देगा। इसलिए भगवान कहते भैया ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद मिला, और इसी शरीर में तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो और किसी जीवन में नहीं कर सकते हो, कर क्या करो, ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, भगवान की भजन करो, तभी ये जीवन की तुम्हारी सार्थकता है। बस उसको बाद में करने अपना पास मिल जाएंगे, फिर तो जगत का जितने झामला झूठ सब संसार की खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी।